हाथ काटने के बाद भी 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह का संग्राम नहीं रुका। उन्हें आराम करने की हिदायत मिली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध जारी रखा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत किस्से हैं और हर किस्से को सुनकर दिल गर्व से भर जाता है और आंखें नम होने लगती हैं। मन में बस यही ख्याल आता है कि जाने कैसे लोग थे जिन्होंने न जान की परवाह की, न ऐशो आराम की, बस निकल पड़े देश को आजाद कराने के संकल्प के साथ। इन आजादी के परवानों को ना तो उनकी उम्र रोक पाई और ना ही कोई और लालच। उड़ीसा के बाजी राउत ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो वहीं एक ऐसा सेनानी भी था जिसने 80 वर्ष की अवस्था में अपनी जान की बाजी लगा दी। आज की हमारी कहानी है बिहार के सूरमा बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया बल्कि कई युद्धों में अंग्रेजों को परास्त भी किया। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ। बचपन खेल खेलने के बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी सीखने में बीता। इसके अलावा उन्होंने मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वो दूसरे योद्धा थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध की नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराने के लिए किया, जिसमें उन्हें कई बार सफलता भी मिली। 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब वीर कुंवर सिंह की आयु 80 बरस की थी। इस उम्र में लोग अक्सर रिटायर होकर आराम का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और अगर वीर कुंवर सिंह भी चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आजादी के संग्राम में अपने सेनानी भाइयों का साथ देते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अपने सैनिकों और कुछ साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नाम के स्थान से अंग्रेजी आधिपत्य को समाप्त किया, लेकिन अंग्रेजी सेना कहां चुप बैठने वाली थी। कुछ दिनों की शांति के बाद उन्होंने फिर से दोगुनी ताकत के साथ वीर कुंवर सिंह पर हमला बोल दिया। इस बार वीर कुंवर सिंह को अपना घर छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि इसे उन्होंने एक अवसर की तरह लिया। उन्होंने आंदोलन को और मजबूती देने के लिए मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, रीवा, बांदा, कालपी, गाजीपुर, बांसडीह, सिकंदरपुर, मनियर और बलिया समेत कई अन्य जगहों का दौरा किया। वहां उन्होंने नए साथियों को संगठित किया और उन्हें अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रेरित भी किया। जैसे जैसे इन इलाकों के लोग संगठित हुए, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बढ़ने लगे। ब्रिटिश सरकार के लिए वीर कुंवर सिंह आंख की किरकिरी बन गए थे, जिसे बाहर निकाल फेंकना उनके अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया था। उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, कुछ भारतीयों को पैसे का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। बावजूद इसके वीर कुंवर सिंह से छुटकारा पाना आसान नहीं था। कहते हैं कि अपनी अनोखी युद्ध नीति से उन्होंने 7 बार अंग्रेजों को हराया था। भोजपुर में अंग्रेजों को हराने के बाद वीर कुंवर सिंह ने कानपुर का रुख किया, जहां उन्होंने तात्या टोपे और नाना साहेब का साथ दिया। इस युद्ध में भी कुंवर सिंह की वीरता ने सबको बहुत प्रभावित किया था। कानपुर के बाद आजमगढ़ में भी उन्होंने अंग्रेजों को ना को चने चबवाए। हालांकि हर बार विजय मिलने के बाद अंग्रेजी हुकूमत दोबारा अपनी पूरी ताकत से हमला करके अपना कब्जा वापस ले लेती थी, पर उनके दिल में वीर कुंवर सिंह का डर बैठ चुका था। अंग्रेज अधिकारी जल्द से जल्द उनसे छुटकारा पाना चाहते थे। बताया जाता है कि वीर कुंवर सिंह हर युद्ध में अपनी नीति बदल लेते थे। एक बार उनकी सेना अंग्रेजों के आक्रमण के कारण पीछे हट गई और अंग्रेजों को लगा कि वे जीत गए, लेकिन यह कुंवर सिंह की युद्ध नीति थी। क्योंकि जब अंग्रेज सेना अपनी जीत के नशे में उत्सव मना रही थी, तब उन्होंने अचानक से आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से चौंके ब्रिटिश सिपाहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसी तरह हर बार नई नीति से वो अंग्रेजों के होश उड़ा देते थे। आजमगढ़ के युद्ध के बाद बाबू कुंवर सिंह 20 अप्रैल 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे। वहां से वे आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल को नदी के मार्ग से जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए। इस सफर में उनके साथ कुछ साथी भी थे। इस बात की खबर किसी देशद्रोही ने अंग्रेजों तक पहुंचा दी। ब्रिटिश सेना ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रात के अंधेरे में नदी में ही उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की तुलना में उनके सिपाही कम थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह जरा भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अंग्रेजों का मुकाबला किया।
इस मुठभेड़ में एक गोली उनके दाहिने हाथ में आकर लगी, लेकिन उनकी तलवार नहीं रुकी। कुछ समय पश्चात जब उन्हें लगा कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल रहा है, तो इस वीर सपूत ने अपना हाथ काटकर ही नदी में फेंक दिया। इस महान स्वतंत्रता सेनानी की वीरता को कवि मनोरंजन प्रसाद ने कविता के रूप में कागज पर उतारा। अपना ही हाथ काटने जैसे साहस के लिए उन्होंने लिखा, दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में दायां हाथ हुआ बेकार, हुई अपावन बाहु जान बस काट दिया लेकर तलवार, ले गंगे आज ये हाथ तुझको ही देता हूं उपहार, वीर मात का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। हाथ कट जाने के बावजूद भी वे लड़ते रहे और जगदीशपुर पहुंच गए, लेकिन तब तक जहर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था और उनकी तबीयत काफी नाजुक हो गई। उनका उपचार किया गया और उन्हें सलाह दी गई कि अब वो युद्ध से दूर रहें, लेकिन कुंवर सिंह को अपनी रियासत अंग्रेजों से छुड़ानी थी और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम युद्ध का बिगुल भी बजा दिया। उनकी वीरता के आगे एक बार फिर अंग्रेजों ने घुटने टेके और जगदीशपुर फिर से उनका हो गया, लेकिन इस जीत पर जश्न की जगह मातम मनाया गया, क्योंकि भारत माँ के इस वीर सपूत ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा ले ली थी। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। इतिहास के पन्नों में सेनानी वीर कुंवर सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।